हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ नागपुर की फेमस सांभर वड़ी शेयर कर रही हूँ। आइए इसे कैसे बनाते हैं इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कर रहे और वीडियो को एंड तक देखें। सांभर वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल लिया है, एक थोड़ा बड़ा चम्मच ऑयल लिया है मैंने यहाँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, उसमें डालेंगे हम मस्टर्ड सीड्स आधा छोटी चम्मच, जीरा एक चम्मच, अजवाइन आधी छोटी चम्मच, हींग डालेंगे एक चौथाई चम्मच, साबुत मसाला हमारा तिड़क गया है आप देख सकते हैं, दो छोटी चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। मैंने यहाँ एक हरी मिर्ची, आठ दस कली लहसुन और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ग्राइंड कर लिया था। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो न डालो। इसमें थोड़ी डालेंगे हम हल्दी, अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है, इसमें डालेंगे हम आधा कटोरी कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप सूखा नारियल को कद्दूकस करके डाल सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर की रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं टीना किचन में। इसे हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। इसी के साथ डाल देंगे हम, मैंने यहाँ दो छोटी चम्मच चिरौंजी ली है, ऑप्शनल है, किशमिश, खसखस दो छोटी चम्मच, पॉपी सीड्स, आधा कटोरी तिल, व्हाइट तिल लेंगे, आधा कटोरी पीनट जिसे मैंने मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है, मूंगफली के दाने लेंगे आधा कटोरी, उसे हम मोटा मोटा ही कूटेंगे या मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम अच्छे से दो तीन मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। एक छोटी चम्मच डालेंगे हम इसमें चीनी, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के अनुसार। मैंने यहाँ एक हरी मिर्ची भी साथ में ग्राइंड की थी अदरक लहसुन के, मैं टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। जब तक हमारा लो फ्लेम पर मसाला भून रहा है तब तक हम हरे धनिए को काट लेते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम हरा धनिया लिया है, उसे मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ। हरा धनिया मैंने यहाँ धो के अच्छे से पानी सुखा लिया है, उसे हम काट लेंगे। इसमें डालेंगे हम एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, धनिया की पत्ती को मैंने यहाँ चॉप कर लिया है, इसमें डाल देंगे। इसे
इसे हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता तब तक हम इसे इसी तरह से लो फ्लेम पर मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर पानी सूखने तक मिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं धनिया काफी सिकुड़ गया है, काफी कम हो गया है। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से इसे मिलाएंगे। इसका पानी लगभग सूख गया है। इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। इसे 2-3 मिनट के लिए और इसी तरह से चला लेते हैं। हल्का पानी हो रहा है इसमें, इसे भी हम अच्छे से सुखा लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नीचे उतार लेते हैं और इसका डो रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मैदा, मैदा को हम छान के डाल देंगे। एक पिंच हींग डालेंगे आटे में, नमक 1 चम्मच, ऑयल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, नॉर्मल पानी से एक डो रेडी कर लेंगे। डो हम सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, हार्ड ही लगाएंगे, कड़ा डो लगाना है हमें। देखिए इस तरह का डो लगा के हम 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ऑयल लगा के। मसाला हमारा रेडी हो गया था, हमने नीचे उतार लिया था। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। पानी रेडी कर लेते हैं इसका घोल। पानी का थोड़ा चाट मसाला डालेंगे 1 छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, काला नमक 1/2 छोटी चम्मच, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। ओके, हमने घोल रेडी कर लिया है पानी का। हमारा डो अच्छे से फूल गया है 20 मिनट के। छोटी लोई ली है हमने, इसे हम बेलेंगे चावल के आटे से। बेल रही हूँ मैं, आप पैदा भी ले सकते हैं बेलने के लिए। मैं यहाँ चावल का आटा ले रही हूँ। इसे हमने राउंड शेप में बेल लिया है। अब हम स्टफिंग करेंगे। इस तरह से जो हमने पानी तैयार किया था वो पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड से सेम से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा पानी हम यहाँ लगाएंगे,
साइड से भी हम पानी लगा देंगे थोड़ा, ताकि इसकी फोल्डिंग खुले नहीं। इस तरह से हम सभी वड़ी को रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। वड़ी को हम इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर करना है हमें, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसे हम इस तरह से पलट पलट कर दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इसे आप लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। देखिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अच्छे से। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सबको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सांभर वड़ी बनकर रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है मसाला, बहुत ही टेस्टी मसाला है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।